ठीक। बुधवार को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने बलिया में नकल माफियाओं और शिक्षा विभाग के खेल को उजागर करने के मामले में पत्रकारों पर ही उल्टा तलवार गिर गई है। पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया में प्रश्न पत्रों के आने की सूचना बलिया के जिला अधिकारी को देना महंगा पड़ गया था, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने उन पत्रकारों को भी आरोपी बना दिया जिन्होंने इन नकल माफियाओं के खेल को उजागर करने का कार्य किया था। साथ ही मांगों के ज्ञापन मंडलायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक प्रार्थना पत्र लिखकर अवगत कराया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बलिया जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न किया गया है। यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र लीक मामले में बलिया जनपद के 3 निर्दोष पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को जेल भेज दिया गया है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने अपनी गर्दन बचाने के लिए यह कार्यवाही की है। बलिया में यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लगातार आउट हो रहे थे, इसकी जानकारी जिला प्रशासन को थी। हाईस्कूल संस्कृत विषय की परीक्षा शुरू होने के पहले ही उसकी हल कॉपी वायरल होने की जानकारी जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को थी, फिर भी उसी प्रश्न पत्र पर परीक्षा कराई गई। संस्कृत प्रश्न पत्र आउट होने की खबर को सभी प्रमुख समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित किया गया था। 29 मार्च की रात को इंटर अंग्रेजी का भी प्रश्न पत्र आउट हो गया। इसकी परीक्षा 30 मार्च को दूसरी पाली में होनी थी। 30 मार्च को ही अमर उजाला ने आउट प्रश्न पत्र के चित्र के साथ समाचार प्रकाशित कर दिया। समाचार प्रकाशित होने पर शासन ने संज्ञान लिया और 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मौके पर पत्रकारों में मनोज शर्मा, विवेक शर्मा, संतोष गुप्ता, परवेज नाजिम, आशीष आनंद, अवधेश पाराशर, गोविंद पाल, पीयूष शर्मा आदि पत्रकार मौजूद रहे। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो बलिया के प्रश्न को लेकर दिया गया है। बलिया में पत्रकारों के साथ बहुत ज्यादती और उत्पन्न की कार्रवाई हुई है, इस कारण पत्रकारों में आक्रोश प्राप्त है। आज उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार मोहित जी के संरक्षण में ये ज्ञापन दिया गया मंडलायुक्त महोदय जी को। मंडलायुक्त जी ने भी इंसाफ दिलाने की बात कही है कि पत्रकारों के साथ जाते हुए हम इंसाफ दिलाने की बात करेंगे, तो इस संबंध में 7 सूत्र ज्ञापन दिया गया है। और कभी ज्ञापन पर जो सारे सूत्र पूर्व विचार करके महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन अब दलित किया जाए। वैसे आज आप लोग कमिश्नर साहब से मिले थे, क्या पूरा मामला था? बलिया प्रकरण में निर्दोष पत्रकारों के खिलाफ जो उन्हें जेल भेजा गया, जबकि उन्होंने सूचना देने का काम किया था, लेकिन प्रशासन ने नकल माफियाओं पर कार्रवाई करने की जगह पत्रकारों को जेल भेज दिया। इस मामले में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से आज प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया जा रहा है। हमने 7 सूत्री ज्ञापन दिया है, जिसमें पत्रकार सुरक्षा के साथ सभी पत्रकारों को सूचीबद्ध करने की मांग भी की गई है। क्या आश्वासन मिला है? कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे ज्ञापन को राज्यपाल महोदय को भेज देंगे और यहाँ पर भी नकल माफियाओं पर जो कार्रवाई चल रही है उसे और तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे।